राइट एट्रियम, राइट एट्रियम पढ़ने के लिए पहले आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पढ़ना होगा, जो मेरी पीछे की वीडियो है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये राइट एट्रियम पढ़ें, क्योंकि उसमें मैं फिगर बनाया हूँ, यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, ये वाला फिगर दिखाया है मैंने। राइट एट्रियम ये लिख रहा है, हार्ट, बड़े वाला हार्ट का डायग्राम है। राइट एट्रियम ये फिगर दिखाया हूँ मैं, इसके बारे में बताया भी हूँ। तो यहाँ पर मैं केवल आपको अब थ्योरी बताऊँगा राइट एट्रियम में क्या क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में क्या क्या होता है। इट इज क्वाड एंगल, मतलब इसके चार कोनेदार होता है, चैम्बर होता है। रिसीव ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग्स फोर पोर्टल वेन, चार पोर्टल वेन के द्वारा यह ऑक्सीजन ब्लड रिसीव करता है लंग्स से। दो लेफ्ट से आती हैं, दो राइट से आती हैं, ये दोनों वेनें लंग्स से निकलती हैं। एनाटॉमिकली इज मेक बेस पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट, है ना। एनाटॉमिकली इज मेक या बनाता है बेस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट बनाता है। इंटरनल पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज मोस्टली स्मूथ, या मुलायम होता है, इंटरनल पार्ट मुलायम होता है। बिकॉज मस्कुलाई पैक्टिनी आर लेस डेवलप, क्योंकि यहाँ मस्कुलाई पैक्टिन कम डेवलप होती हैं। इट पम्प ब्लड इन टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ओरिफाई, मतलब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल ओरिफाई के द्वारा। विच गाइडेड बाई लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, ये जो वॉल्व होते हैं जिनके माध्यम से जाता है, जो दीवार वॉल्व होते हैं उसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और वह मिट्रल वॉल्व भी कहते बोल सकते हैं, या एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकते हैं। अब बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है। लेफ्ट वेंट्रिकल का स्पेशल यह फिगर बनाया हूँ, ये आप देख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों तरफ है, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, एक तरफ से ब्लड आता है और उधर में जो ब्लड मतलब जैसे बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तो ब्लड बैक फ्लो करता है, वापस जाता है, तो वह जाता है एओर्टिक ओपनिंग, वह होती है एओर्टिक ओपनिंग। ये है एओर्टिक वाल्व हैं, और ये है मिट्रल वॉल्व, कॉर्डा टेंडनी, पेपिलरी मसल्स, और ये पीपीएम, एलवी और एपीएम, एपीएम, पीपीएम, एलवी। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जाके देखो तभी समझ में आएगा। राइट राइट वेंट्रिकल इज द ट्रायंगुलर चैम्बर, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम पंप इनटू होल बॉडी। यह हमारा पॉइंट कहता है राइट लेफ्ट एट्रियम है, इज माने है ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप चैम्बर है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और हमारी पूरी बॉडी में भेजता है। एनाटॉमिकली इज फॉर्म लेफ्ट सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, एपेक्स ऑफ हार्ट, है ना। एनाटॉमिकली ये पोजिशन है। इंटरनली सिमिलर टू राइट वेंट्रिकल, इट ऑल्सो हैज एन इनफ्लोइंग पार्ट एंड आउटगोइंग पार्ट। इंटरनली सिमिलर, अंदर की तरफ से एकदम से सेम होता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की तरह ही सेम होता है। इट ऑल्सो हैज ये पास भी रखता है एन फ्लोइंग आउटगोइंग और इनफ्लोइंग पार्ट, मतलब आउटगोइंग भी यहीं से होती है, इनगोइंग भी यहीं से होती है। इनफ्लोइंग पार्ट इज रफ ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ट्रेबुकुलाई कॉर्निया, ये ट्रेबुकुलाई कॉर्निया के कारण यह रफ होता है, क्योंकि ब्लड थोड़ा टाइम लेके आए, स्मूथ होगा तो एकदम से ब्लड पूरा आ जाएगा, रफ होगा तो चिपक के ब्लड आएगा। इसीलिए इनफ्लोइंग पार्ट लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकल ऑरिफाइस गाइडेड बाई मिट्रल ऑब्लिक बाइकस्पिड वॉल्व, ये कह रहा है पार्ट लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकुलर ओरिफाई, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकुलर जहाँ होती है, गाइडेड बाई मिट्रल वॉल्व, मिट्रल ऑब्लिक्यू बाइकस्पिड वॉल्व, वहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं वो बाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं, उन्हें मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हैं, या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कह सकते हैं। टू सेट्स ऑफ पेपिली मसल्स
एंटी पोस्टीरियर आर कनेक्ट टू कस्प ऑफ बाल्व बाई कॉर्डा टेंडनी कस्प बाई टू सेट ऑफ पेपली मसल, मतलब बाई कस्पड बाल्व में दो ही होंगी क्योंकि बाई ये तो दो होगा, तो टू सेट ऑफ पेपली मसल्स दो ही मसल्स होंगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर होंगी आर कनेक्ट ऑफ कनेक्ट होंगी कस्प मतलब बॉल्व से कनेक्ट होंगी बाई वॉल्व कॉर्डा टेंडनी, कॉर्डा टेंडनी के द्वारा बॉल्व से ये जुड़ी हुई होंगी। आउट फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ओपनिंग टू योटा दिस ओपनिंग इज गाइडेड बाई योटिक वॉल्व, ये कह रहा है आउट फ्लोइंग जब ब्लड बाहर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जब ब्लड बाहर की ओर जाता है तो उसे क्या कहते हैं ओपनिंग होती है उसे कहते हैं योटा, दिस ओपनिंग इज गाइडेड बाई योटिक वॉल्व, यह गाइडेड योटिक वॉल्व को करती है। वॉल्व ऑफ द हार्ट आर फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, ये सभी वॉल्व होती हैं, स्टार मार्क पॉइंट लिखाया है मेन पॉइंट, ये सभी जो वॉल्व होती हैं सेमिल्यूनर वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व, ये सभी सबसे हृदय की जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसकी फोल्डिंग होती हैं, वही वॉल्व होती हैं, उसी के माध्यम से फोल्डिंग होती हैं, उसी के माध्यम से वॉल्व बनती है। वॉल्व मेनी मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ब्लड प्रिवेंट रेगुलरटीसेशन बैक फ्लो, ये कहने का तात्पर्य हमारा यह है यहाँ पे वॉल्व मेंटेन करती हैं यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन के लिए मेंटेन करती हैं बैक फ्लो ब्लड प्रिवेंट रेगुलरटीसेशन का मतलब है बैक फ्लो होना, ये यूनिडायरेक्शनल के लिए हुई होती हैं क्योंकि हमारा ब्लड केवल एक ही दिशा में जाए, बैक फ्लो होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी कहीं भी मिक्स हो सकता है और फिर क्या होगा तुम समझ सकते हो, रेगर्स बैक फ्लो ना हो इसीलिए हमारी ये से बॉल्व होती हैं। आगे की वीडियो देखते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।